कोरिया में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक स्टेनो को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी स्टेनो का नाम संतोष पांडे है और ये कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ है। संतोष पांडे ने फरियादी उमेश कुमार से सरकारी आवास अलॉट कराने के नाम पर 30,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने एंटी करप्शन टीम से की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। मेरा नाम रमेश कुजूर है सर, मैं पीजी कॉलेज में पदस्थ हूँ, जो कि मैं 2013 में शासकीय भवन परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद 6 महीने बाद पांडे संतोष पांडे सर से मिला। उन्होंने मेरे को शासकीय भवन अलाट करने के एवज में मुझसे 30,000 मांग की है। मैं कहा कि 30,000 नहीं हो पाएगा सर, उतना मेरा सैलरी नहीं है, कुछ कम ले लीजिए, तो दे देता हूँ। तो बोले नहीं, आपको 30 देना ही पड़ेगा, उसके बाद सोचेंगे। जीरो में संतोष पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया वहीं पर, और पैसे के बारे में पूछने पर ड्राइव में बताया यहाँ रखना, जो वहाँ से बरामद हुआ और पैसे को जब्त कर लिया गया है 30,000 रुपये। उनके नंबरों को प्राथमिक पंचनामा से मिलान करने पर सही पाया गया, वायर में पर गुलाबी कलर आ गया, आरोपी के हाथ में भी गुलाबी कलर आ गया, सिद्ध हो गया कि उसने 30,000 रुपया रिश्वत लिया था। संपूर्ण कार्रवाई पश्चात उसको न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करेगा।